दोस्तों मैथ्स में एक ऐसा काम है जो आपको करना ही करना है, करना ही करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं करना तो जबरदस्ती करना पड़ता है। चाहे आप कोई भी न्यूमेरिकल मैथ, संख्यात्मक गणित का टॉपिक पढ़ें, सरलीकरण, घातांकरणी या फिर दशमलव फ्रैक्शन वगैरह, या आप अर्थमेटिक में पहुंच जाएं तो लाभ हानि प्रतिशत, मिक्सचर, एलिगेशन, अनुपात समानुपात, या फिर क्षेत्रमिति और ट्रिग्नोमेट्री, ये एडवांस के चैप्टर हैं, एलजेब्रा, कुछ भी पढ़ें आपको एक चीज़ करनी ही करनी पड़ती है दोस्तों, वो क्या है, कैलकुलेशन आपको हल करना ही पड़ता है। चाहे आपको कोई ट्रिक आती हो, चाहे आपको कोई सॉल्यूशन कैलकुलेशन की मेथड या कॉन्सेप्ट पता हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला आपको याद हो, लेकिन आपको उस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद, ट्रिक लगाने के बाद हल तो करना ही पड़ता है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। और मैंने कई छात्रों के मुँह से क्या, हर एक छात्र के मुँह से ये सुन रखा है दोस्तों कोचिंग वगैरह में, कि वो बोलते हैं सर मुझसे चीज़ बन तो जाती है लेकिन कम समय में नहीं बनती हो, कम समय में कैसे करें। कम समय में करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, और वो मैं आज अरविंद लोधी आपके लिए फ्री एजुकेशन पर बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन के स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में इक्को वाला, एक के कॉन्सेप्ट, एक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। दोस्तों आप इस वीडियो को देख के भाग मत जाना, जिनको पता है मैं आपके लिए इससे भी लिंक करके बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें आती होंगी तो आप वीडियो स्किप कर देते हैं, स्किप बिल्कुल भी ना करें, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस आप चीज़ों को देखें। और ट्रिकें या कैलकुलेशन की ट्रिक ऐसी भी होती है जो देखने से भी बनने लगती है, हल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें आप जानते हैं लगभग पहले से, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आंसर आएगा आपका 87, 65, 79, 87, 65, 79, और ये आया कैसे, यही मैं आपके लिए पूरा का पूरा रिवील करूंगा। 111, 111 और 1111 या फिर 11111 में। तो आप इस वीडियो को छोड़े ना बिल्कुल दोस्तों, और अंत तक जरूर बने रहें वीडियो में, क्योंकि मैं यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस पूरे के पूरे वीडियो में। हाँ मुझे पता है आप लोगों को 111, 111 और 1111 वाले कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन कब, जब यहाँ पर नंबर कैसे लिखे हों, इसके इक्वल में लिखे हों। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कम नंबर वाला भी बताऊंगा और आप सीखेंगे भी बहुत जल्दी। जैसे कि एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 9, यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मैं 1 से आपके लिए 0 से बताऊंगा लेवल से। यहाँ पर 3 बार 1 है तो 9, 9, 8, 17 इनको ऐड करते जाना है, कैरी यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर 9, 8, 17, 1, 18, 18, 7 कितना होगा दोस्तों, 25, तो 5 कैरी की 2, 8, 7, 15 और 2, 17 की 7 कैरी 1, 7 और 1, 8, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 87579 आ जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है ना, 87579 क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, यही मैं आपके लिए पूरा का पूरा बेसिक से बताता हूँ। बेसिक से समझने के लिए हम छोटे नंबर लेते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि ये लिखा हुआ है 23 गुणा 11, 23 गुणा 11, यहाँ पर 1 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, तो इसको आपके लिए वही का वही अंक लिखना, समझने की कोशिश करना, 3, फिर 3, 2, 5, फिर ये 2, क्लियर है, नहीं आया ऐसे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, 3, 2 धन 3 और यहाँ पर 2, फिर इनके लिए सबके लिए मर्ज करके लिखते हो, 3, 2, 5 और ये 2, 253, मेरे हिसाब से अब आपके लिए आ गया होगा समझ में। जहाँ कहीं कैरी बनती है 87 गुणा 11 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 7, फिर ये 8 प्लस 7, फिर ये 8, इस तरीके से आपको 1 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार, तो 2 के पेयर तक इनको ऐड करना, 1 पेयर फिर 2 फिर सिंगल, क्लियर है। अगर 1 कितनी बार था, 3 बार, तो 1, 2 फिर 3 फिर ये 2 फिर 1, मतलब 1 से शुरू करनी है कहानी और 1 पर ही आना है, मतलब ऐसे चलना और ऐसे जैसे आ जाना है स्लोप में, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। 7, 7, 8, 15 की 5 कैरी 1, 8 और 1, 9, ये कैरी हमेशा जो आगे फॉरवर्ड होती है वही करना है हमारे लिए। और मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है 6, 5, 4 गुणा 11 ही लिखा हुआ है, तो तब भी हमें क्या करना है, 2 के पेयर पर ही फॉलो करना है चीज़ों, क्योंकि यहाँ पर 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, 4, ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 5, 4, 9, 6, 5, 11 और ये 6, इस तरीके से, ठीक है ना, तो 4, 5, 4, 9, यहाँ पर 6, 5, 11 कैरी 1, 6 और 1, 7, वही हम स्पीड में करेंगे, 4, 5, 4, 9, ठीक है ना, 5, 6, 11 की 1 कैरी 1, 6 और 1, 7 लीजिए, हो गया, सिंपल है, बस इस तरीके से आप 11 वाला कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको चीज़ों को सीखना है और देखना बहुत अच्छे से। तो ये तो हुई अकेले 11 का, मैं आपको इसे लोग में बता रहा हूँ चीज़ें, ताकि आप बहुत अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें आप, क्लियर।
अब यहाँ पर हम और नंबर देखते हैं, और भी कोई नंबर, जैसे इस चीज़ को हम बढ़ा दें, ये लिखा हुआ है 4, 5, 6 × 111, इस तरीके से 4, 5, 6 × 111। पहले मैं आपको इक्वल में बता रहा हूँ, फिर ये नंबर कम होंगे, फिर वो वाला भी बताऊँगा। बस थोड़ा सा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर 6, 5 + 6, 4 + 5 + 6 में ये आपके देखने के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत जल्दी हो जाता है दोस्तों, है ना। 4, अब इनको आप कैलकुलेट कर दें, 6, 6, 5, 11 × 1, 6, 4, 10, 5, 15 × 16 × 6, हाँ से लगे 5, 4, 9, 1, 10 × 0, हाँ से लगे 4, 1, 5, ये आ गया 50, 616। इसी को हम बहुत जल्दी भी करेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी भी करेंगे। 6, 6, 5, 11 × 1, 6, 5, 11 और 4, 15 × 16 × 6, हासिली 5, 4, 9 × 10 × 0, हासिली 1, 4 × 1, 5, हो गया दोस्तों 50, 616। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। इस तरीके से चार नंबर भी लिखे हुए हैं, तब भी मेरे हिसाब से आप लोग कर पाएंगे, मुझे भरोसा है आप पर। बस प्रैक्टिस आपने करनी है, चीज़ों को देखना है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब और भी नंबर देखें, जैसे कि यहाँ पर 111 देखा हमने, अब हम चार नंबर वाला भी देख लेते हैं। थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इजी लिख रहा हूँ, आप कैरी फॉरवर्ड करना, हासिल को आप शिफ्ट करना, समझ गए होंगे। 4, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 × 0, carry 1। यहाँ पर 1 के कितने थे दोस्तों, 4 थे, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 के पेयर तक आए हम, फिर 4 के पेयर से हमें 3, 2, 1 के पेयर पे आ जाना है। बस सिंपल इस तरीके से जाना और ऐसे आ जाना है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर 10 तक हो गया था, फिर 3, 2, 5 और 1, 6 और 1, 7, 2 और 1, 3 और 1 क्लियर है। इसी को मैं आपके लिए पूरा डिजाइन करके भी बता देता हूँ। 4 यहाँ पर 3 + 4, ठीक है, ये 2 + 3 + 4, फिर 1, 2, 3 + 4, ठीक है ना, फिर 1, 2 और 1, 3, फिर 1 × 2, फिर ये 1। हाँ, ये बात अलग है कि लिखने में बहुत बड़ा हो सकता है, तो क्योंकि आपको यहाँ थोड़ी ना किसी को बताना है, बस आपको समझना है। यहाँ से 4, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 × 0, carry 1, 3, 2, 5 और 1, 6 और 1, 7, 2 और 1, 3 और 1, इस तरीके से हो गया दोस्तों, देख लीजिए। ऊपर वाला और ये नंबर सेम है, बस आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। अब मैं जिन नंबरों की बात कर रहा था आपसे, कि अगर 1 हों और 2 नंबर लिखे हों, 1 के कितने हों, 1 हों और 2 नंबर लिखे हों, जैसे कि ये लिखता हूँ मैं 26 × इस तरीके से, ये 111, ठीक है, 6। तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, 6 ये आ गया, फिर इसके बाद 2 + 6, फिर से 2 + 6, फिर ये 2। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे, 6, 6 और 2, 8, 6 और 2, 8, और ये 28, 86 आएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 28, 86 आएगा। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा आप ध्यान देना, 6, 6 और 2, 8, 6 और 2, 8, 2, इसको हमको 2 बार ऐड करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 3 अंक नहीं थे, अंक कितने, 3 नहीं थे, तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है, एक आगे आप 0 लगा सकते हो, इस तरीके से आपने आगे 0 लगा दिया, 3 अंक बन गए, यहाँ से 6, 6 और 2, 8, 6 और 2, 8 और 0, फिर भी 8 और फिर 2, सिंपल 2 और 0, 2, खत्म। इस तरीके से आप इनको सोच सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो। बस कोई कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी बन रही है, तब आपको क्या करना है, कैरी को फॉरवर्ड कर देना है, 6, 6, 5, 11 कि 1, carry 1, 6, 5, 11 और 1, 12 कि 2, हासिल किए 5 और 1, 6, इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 62, 16 आ जाएगा, क्लियर है। अब यही अगर एक 1 के कितने, सॉरी 1 के कितने होते, 4 होते, और नंबर अगर 3 लिखे होते, तो तब भी हम यही कर रहे होते, यही हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या करना है, अप्लाई करना है, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके मेरे लिए बताइए। जैसे कि मैंने ये लिख दिया हुआ है 6, 8, 1 और इस तरीके से ये लिखे हुए हैं 4 1 के, इसका आंसर आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में करके बताइए दोस्तों, कितना आ रहा है जल्दी से, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये ट्रिक समझ में आई होगी दोस्तों। अभी हमने ट्रिक सीखी है जो कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन की, वो सीखी 1 वाली, 1 1 का 2 1 का 3 1 का 4 1 का, मतलब 1 वाली सीखी। अब हम सीख रहे हैं 9 वाली, 1 9 2 9 3 9 4 बार 9, इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे हम 5 बार 9। तो चलिए देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 123 × 999, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, और बहुत ज़्यादा ही आते हैं दोस्तों, जो एग्जाम दे रहे हैं, जो पर्टिकुलर बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, उनको आइडिया होगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। यहाँ पर 122, एक इससे कम करके लिखना है दोस्तों, एक इससे कम करके लिखना है, और ये जितना कम करके आया हुआ उतना ही इससे घटा देना है यहाँ पर, ऐसा, ठीक है ना। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 1 घटाएंगे 8, हो गया दोस्तों, बस सिंपल, बस इतना ही करना है। आता बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया वीडियो में, कि एक चीज़ जो आपको मैथ में करनी ही करनी पड़ती है, चाहे आप ट्रिक सीख लें, चाहे आप फॉर्मूला सीख लें, चाहे आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें,
कुछ भी कर लें आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मैथ की चार मूलभूत संक्रियाएं हैं, मैथमेटिकल फोर, बेसिक या मूलभूत कंपलसरी ऑपरेशंस हैं कि जो कि करने ही होते हैं, इसी से तो बोर्ड मास बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, इससे एक काम करके लिखना है। हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कभी कभार, ये ऐसा भी लिखाओ तब भी कोई नहीं करना, इससे कोई टच नहीं करना, हमें इसका एक कम करके लिखना है, इसका एक कम करके हमारे लिए लिखना है। 482 में से एक कम किया 481, ठीक है ना। फिर इस 481 को यहाँ पे कम करना है, 9 में से एक कम करोगे आप 8 लिखोगे, या 9 में से 8 कम करोगे 1, 9 में से 4 एक कम करोगे 5, 9 में 9, सिंपल। लेकिन इसको कभी आगे नहीं लिख देना है, आगे यहाँ नहीं पुट कर देना है ये वाला नंबर, यहाँ ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 482 में से एक कम किया 481, फिर ये 481 यहाँ से हमारे लिए घटा देना है, ठीक है ना। आते बहुत हैं दोस्तों, है ना, यहाँ पर मैं आपके लिए ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ मुझे आता है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी बहुत ज़्यादा है तो आपको सीखना चाहिए। 9 में से 1 घटाओगे 8, 9 में से 8 घटाओगे 1, 9 में से 4 घटाओगे 5, और यहाँ पर ही 9 हो गया आंसर। देखिए दोस्तों सेम आंसर आ रहा है, तो यहाँ कभी अगर ये आगे पीछे आ जाता है तो घबराना नहीं है। घबराने के अलावा हमारे लिए गलती भी नहीं करना है, गलती ऐसी कि हम क्या करें इधर का उधर लिख दें, तो ऐसा भी नहीं लिखना है दोस्तों। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखना और बहुत अच्छे से इनको हल करना है। हम सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग, जैसे कि ये लिखा हुआ है दोस्तों इस तरीके से कुछ 44 गुणा 99 कुछ इस तरीके से लिखा है। इसका एक कम करना है दोस्तों 43, ठीक है ना, 44 से एक कम किया 43, इस 43 को यहाँ से घटा देना है, सिंपल। 9 में से 3 घटाओगे दोस्तों 6, 9 में से 4 घटाओगे 5, हो गया आंसर, सिंपल बस, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 56 गुणा 999 लिखा हुआ है, तो 56 से एक कम किया दोस्तों आपने 55, इस 55 को यहाँ से घटा दिया, 9 में से 5 घटाए 4, 9 में से 5 घटाए 4, यहाँ पर 9 ही आ गया दोस्तों, क्लियर है। अब कोई एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है 3, 5, 7, 1 इस तरीके से, और ये लिखा हुआ है 9999, तो भी कोई डरने की बात नहीं है, हमारे लिए क्या करना है इससे एक कम करना है, तो ये हो गया 3570, और इस 3570 को घटा देना है यहाँ से, तो ये 9 में 7 घटाओ 2, 9 में से 5 घटाओ 4, 9 में से 3 घटाओ दोस्तों 6, बस सिंपल हो गया आंसर, क्लियर है। इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है 9999 गुणा 43 इस तरीके से, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 43 में से कम किया आपने 42, ठीक है, और इस 42 को यहाँ से घटा देना, 9 में से 2 घटाओगे 7, 9 में से 4 घटाओगे 5, 9 का 9, 9 का 9, इस तरीके से ये हल हो गया। मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा दोस्तों इनको अप्लाई करें, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए कि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा कि आपके लिए कुछ भी बता दूं चीज़ें, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, मैं कोई यूट्यूबर या टाइम पास वाला टीचर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ आपके लिए। मैं बता दूं, मैं पहले से भी ऑफलाइन कोचिंग पिछले 3 साल से पढ़ाता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप चीज़ों को थोड़ा सा बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें और बहुत अच्छे से इनको पढ़ने की भी कोशिश करें, क्लियर है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को हल कर सकते हो, क्योंकि आपको मैथ में कुछ बने या ना बने कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करोगे कहाँ से गुजरना पड़ेगा, कैलकुलेशन से आपने सीख लिया। क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग में कई बार छात्रों से सुना है, हर एक छात्र के मुँह से, कि सर हमसे बन तो जाता है लेकिन कम समय में नहीं बनता। और जब आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट की जगह है, उसको 1 मिनट मिलता ना करने को, या 40 सेकेंड या 50 सेकेंड, उसकी जगह आप 1.5 मिनट लगा देते हैं, तो ये जो आपने क्या किया 50-60 सेकेंड या 30-40 सेकेंड, ये किसका खा लिया आपने, दूसरे क्वेश्चन का टाइम यहाँ पर खा लिया या कंज्यूम कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा हमारे नहीं करना, इन चीज़ों को सीखना है बहुत अच्छे से, और ये मैंने आपके लिए बहुत इजी बताए हुए हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे कई छात्रों के लिए चीज़ें आती भी होंगी, वो भी कई तरीकों से, तो आप ऐसे करेंगे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बनेंगी। इसके अगले पार्ट में फास्ट कैलकुलेशन के हम और भी टेक्निकल और भी अच्छे और भी कठिन कैलकुलेशन लाएंगे। यहाँ पर अभी केवल मैंने एक एक की बात की है, ट्रिपल एक का, डबल एक का, इस तरीके से 1, 9, 2, 9, 3, 9। अब हम कोई भी अल्टरनेट, कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर ले लेंगे हम कहीं का भी उठा के, और उन चीज़ों को हम हल कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो चैनल पर नए हों, और बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।